माइक टेस्ट ए बी बी वाई। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा एनर्जी भरा गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आप लोगों से एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटी सी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं को फाउंडर हूँ एक कंपनी का, जो है इंडियाज़ बेस्ट गिफ्टिंग कंपनी hapmi.com। तो जब मैंने hapmi.com को शुरू किया था, अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने ये कहा था कि हम पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ में तुम्हें पैसे नहीं देंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब कंपनी शुरू हुई, तो उस टाइम पे एक बारी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं रहता हूँ द्वारका में और मुझे जाना था करोल बाग, ठीक है। तो करोल बाग से द्वारका इज़ लाइक अराउंड समवेयर अराउंड 20-25 किलोमीटर्स। तो उस टाइम हुआ क्या कि वहाँ से बस जाती थी, लो फ्लोर बस हमारे यहाँ से, जिसका किराया था 15 रुपये जाने का और 15 रुपये आने का। तो मेरे पास जेब में सिर्फ 15 रुपये थे उस टाइम पे, और मतलब मैं या तो जा सकता था या तो आ सकता था। और मौसम था, मतलब महीना चल रहा था उस टाइम पे जुलाई का, जिस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो मतलब मुझे ना थोड़ा सा डर लगता था कि अगर मैं बिना टिकट ट्रैवल करूँ या फिर ऐसा कुछ करूँ, फिर मैं पकड़ा गया तो फिर थोड़ा सा ना मुझे इंसल्टिंग सा होगा, थोड़ा अनएथिकल चीज़ है। तो मैं अनएथिकल चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं गया तो बस से, लेकिन जब आ रहा था तो मैं पैदल आ रहा था। तो जब आते आते मतलब 25 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी धूप के अंदर, कोई हलवा तो है नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मुझे एक बारी बहुत ज़्यादा प्यास लगी आते टाइम मुझे। तो मैं बस रास्ते में होप कर रहा था कि, वो आपने देखा होगा कि 2 रुपये में वो लोग पानी देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना रेडी लगा के पानी की बॉटल, पानी का ग्लास मिल जाता है 2 रुपये देके। तो मेरे पास वो 2 रुपये भी नहीं थे उस टाइम पे कि मैं 2 रुपये देके एक पानी का ग्लास जो है वो पी सकूँ। मुझे ना रोना आ रहा था, मैं लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि यार मैं इतनी बुरी हालत के अंदर क्यों हूँ कि मेरे पास आज 2 रुपये भी नहीं है कि मैं एक पानी का ग्लास लेके पानी पी सकूँ। ठीक है, मुझे भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, घर से ब्रेकफास्ट करके मैं निकला नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ, रास्ते में छोले कुलचे वाले होते हैं जो 10-15 रुपये में छोले कुलचे की एक प्लेट देते हैं, ठीक है। तो उसको भी देख के ना मेरे आंखों से आंसू आ गए कि यार मैं आज किस हालत में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास आज 15 रुपये भी नहीं है कि मैं छोले कुलचे की प्लेट खरीद के खा सकूँ। तो तभी क्या हुआ, थोड़ी दूर में आगे चला, 1-2 किलोमीटर, तो वहाँ पे एक घर था, उस घर के सामने प्याऊ बना रखा था उन लोगों ने। प्याऊ होता है बेसिकली, घर के आगे उन्होंने एक नल बनाया हुआ था, उस नल से नल लगाया हुआ था जिस नल से हम पीने का पानी पी सकते हो। तो जैसे ही मैंने वो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से एक एनर्जी से आ गई हो मेरे अंदर, मैं दौड़ता हुआ गया सीधा वहाँ पे और मैंने वहाँ से पानी पिया। और जैसे मैंने पानी पिया तो मैंने ना दिल से, अपने सच्चे दिल से, जिस इंसान का घर था उस इंसान का नाम पढ़ा मैंने, उसका नाम लेके मैंने उसको थैंक यू बोला कि यार थैंक यू सो मच कि आपने, मैं इतना प्यासा था और आपने मुझे पानी पिलाया, आपकी वजह से मैं, मेरी प्यास जो है वो बुझी। और फिर मैं चलते 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 फिर घर पहुंचा। तो यार वो दिन जो है ना, वो उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता, वो एक स्ट्रगल का दिन था, ठीक है। तो स्ट्रगल के जो दिन थे वो दिन सारे बिखर गए, स्ट्रगल के जो दिन थे वो दिन सारे गुजर गए, और जिधर भी गए बांटा प्यार, दिल में सबके उतर गए, मेरे हेटर सारे बिखर गए, हम हीरे थे हम निखर गए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग भी आज शायद स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज़ को करने में, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, और शायद मेरा स्ट्रगल तो कुछ नहीं है, आप मुझसे भी कहीं ज़्यादा कुछ ऐसा रिमार्केबल कर रहे हो। आपके पैसे ना हो कुछ चीज़ खरीदने के लिए, खाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे ना हो, सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, आपके कोई अच्छा सेटअप ना हो। तो जो भी स्ट्रगल है ना यार, ये जो दिन होते हैं स्ट्रगल वाले, बहुत ही गोल्डन दिन होते हैं यार। मतलब इन, ये दिन आपके साथ हमेशा, पूरी ज़िंदगी रहेंगे, आपके सुनाने के लिए कुछ स्टोरीज़ होंगी। तो यार इन दिनों को ना आप इन्जॉय करो, इन दिनों को आप स्ट्रगल को, मतलब बोलो यार लाइफ को, बोलो कि यार जितनी मुश्किल है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आप ले आओ मेरे सामने, मैं आज तैयार हूँ उन सारे स्ट्रगल्स, उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, बिकॉज आई एम अ मैग्नेट, और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी सफलता को जो मुझे हर हाल में मिलेगी। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ। किसा है मैंने खुद को स्टोन से पेबल तक, बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक। खड़ा हूँ मैं टॉप पे, तुम हो फटे हाल में, कर दिया बवाल मैंने पिछले 3 साल में। मशाल में है आग, आग मेरे सीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में, इसीलिए किए साफ मैंने सारे डाउट, छोड़ा अपना कॉलेज, किया था ड्रॉप आउट। तुम्हारा भाई अभी भी खड़ा है नॉट आउट, लोग बोले स्टार्टअप ना चले, है ये रिस्की काम। पिछले 3 सालों में बनाया अपना नाम, ना ली किसी से भी फंडिंग, लिया है खुद ही रिस्क। बड़े हैं मेरे सपने, है फुल हार्ड डिस्क, मार्केट में हमने गिराया एक बॉम्ब,
द बेस्ट गिफ्टिंग कंपनी इज hubme.com. मेरी मॉम भी आज मुझ पे करती होगी प्राउड. आज थोड़े से हैं लोग, कल ढेर सारा क्राउड. बस करता हूँ मैं मेहनत अपने काम पे यकीन. आजकल लोग कहते मुझे मोटिवेशन की मशीन. मेरे नीचे है जमीन, मेरी नजरें आसमान पे. मिलेगी कामयाबी जब खेलोगे तुम चांद पे. तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका. हाथ से ना जाने देना कोई भी मौका. जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका. जमाने की ना सुनना तुम, जमाना एक धोखा. उनके बस की कुछ नहीं, बस करते हैं बुराई. न टैलेंट न स्किल, बस बातें हैं चुराई. वो है सिस्टम के जाल में, कहे हमें अवारा. ऐसे कितने लोगों को मैंने रिजल्ट से मारा. मैं जीता वो हारा, मुझे कहते अवारा. उन्होंने सोचा भेड़ चाल से होते सारे काम. हा बेचारा. कभी प्यार कभी मुझ पे चढ़ा थोड़ा सा बुखार. उसकी एक अदा पे सब गवाने को तैयार. सारे ड्रीम्स को मैं भूल बैठा जैसे एक बीमार. उस वक्त न आया मेरे मन में ये विचार. गर अभी मैं न संभला तो पक्की होगी हार. हर सिया पे के लिए मैं हो गया तैयार. लेकिन शुक्र है थैंक गॉड उस लड़की का हो भला. अपने रास्ते पे एक बार फिर से मैं चला. दिया मुझे धोखा रोते रोते सूखा गला. प्यार करने का मुझे ऐसा मिला. छोड़ा मुझे दोस्तों ने, सबको लगा मैं एक फूल. इग्नोर मारा मुझको मैं जैसे पैरों की एक धूल. लेकिन एक बात को रहे थे वो भूल. लाइफ मेरी टीचर और स्ट्रगल ही मेरा स्कूल. पिछले 3 सालों में किया मैंने कमाल. देख मेरी वीडियोस होगा उनका चेहरा लाल. कुछ लोग मेरी लाइफ में इतने काम आए. किया मुझ पे भरोसा मेरे साथ चले आए. दिया फिर मेरा साथ और पकड़ा मेरा हाथ. लगे अपने से वो कभी लगे ना पराए. देखो आज हम कितनी दूर चले आए. पूरे हो रहे हैं सपने जो मैंने थे दिखाए. रात भर बैठ के हम करते थे बात. अब बदलने लगे हैं हमारे हालात.